अब हम झंडा फहरा के चल पड़े। हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये देखो पानी पानी हो गया। अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, कम होगी बारिश, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान होगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। मेरे प्यारे देशवासियों, साफ 37 हुए हैं, 7.5 का हमने टाइम रखा था। हम जरा आजादी के पहले प्रसाद दो ने आपको पार्टी देनी पड़ेगी, सैकड़ों मेरी पार्टी तारते पकड़ लेके आ गए। हर कालखंड मेरे को गुस्सा हो जाएगी, मैडम क्या गुस्सा हो जाएगी, 7.5 का टाइम ही है। युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, मौसम को बदल जाएंगे कैसे भी, बारिश ज्यादा होगी। उन्होंने मेरे मैडम को फिकर लगी गुलामी के खिलाफ, चलो ठीक है, लंग जल में लगे रहे, ठीक अभिरक्त जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है कि 1857 के स्वतंत्र संग्राम जिसको हम याद करते हैं उसके पूर्व हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था। साथियों, गुलामी का इतना लंबा काल था, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे, एक ही स्वर था वंदे मातरम, एक ही सत्र था भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। अगर हमारे पूर्वज इनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक,
140 करोड़ मेरे परिवार जान। अगर संकल्प लेकर चल पड़ते, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते, 152 कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, अभाव की मात्रा कितनी है, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं, हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था गाड़ी में बैठे जब प्रधानमंत्री लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे, वो भी रखा करो और आजादी कई बार ऐसे है ना, वो लगाने से ठीक रहता है। आज ये समय है क्या वो लगाने देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता, अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी देना सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। साथियों, इधर कम है, विकसित भारत 2047 इधर कम है, साइडों में भी देखो कम है। इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है, देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए। हर देशवासी का सर में ज्यादा वर्ष है जी, उसमें प्रतिबिंबित हो रहा, एक दिन में बलदेव नगर तक पैदल पहुंच, देशवासी का संकल्प उस दिन भी वहाँ पे बारिश हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग हो, जंगल में रहने वाले लोग हो, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव कम है, हमारे सामने रखा 2047 विकसित भारत के लिए, कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया, कुछ लोगों ने भारत के हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने।